कॉन्फिडेंस कैसे आता है जानेंगे हम इस वीडियो में। मेरा नाम धर्मवीर यादव, मैं एक लाइफ एंड बिजनेस कोच हूं। कॉन्फिडेंस आता है कोई भी थ्रेशोल्ड को क्रॉस करने पर। क्या है ये थ्रेशोल्ड? आपने कुछ भी काम सोचा जो आपको लगता था कि थोड़ा सा ये डिफिकल्ट है, इम्पॉसिबल नहीं है, डिफिकल्ट है, अगर आपने उसको करने की कोशिश की और हो सकता है कि रिजल्ट आपके हिसाब से नहीं आया, आ भी सकता है, नहीं भी आया है, लेकिन आप उस स्टोरी को शेयर करने को तैयार हो कि मैंने ये किया तो सक्सेस मिल गया, ये किया तो फेलियर हुआ। अगर ये गट्स आपके अंदर है कि जो भी आप काम करोगे शेयर करोगे, वहां से कॉन्फिडेंस आपका डेवलप होता है, कोई डर नहीं रहता है। आपके माइंड में पिक्चर क्या है कि जो भी मैं काम करूंगा भाई कॉन्सिक्वेंसेस मेरे हाथ में नहीं है। बहुत सारे फैक्टर ऐसे हैं जहां पर इसका रिजल्ट डिसाइड होता है, तो मेरे हाथ में क्या है? मेरे हाथ में है एक्शन, एफर्ट। तो मैं वो काम कर दिया, अब रिजल्ट आएगा भी या रिजल्ट नहीं भी आ सकता है, मैं दोनों के लिए तैयार हूं। अगर रिजल्ट आया तो भी मैं शेयर करूंगा, रिजल्ट नहीं आया तो क्यों नहीं आया वो भी मैं शेयर करूंगा। मतलब कि कमल रविकांत, एक कमाल के राइटर है, वो कहते हैं कि मैंने पहली बुक जब पब्लिश किया था तो मेरे अंदर बहुत डर था, मैं बस पब्लिश इसलिए कर दिया कि जो भी बुक मैं लिखा था ना, इस बुक के अंदर जो भी मैंने लिखा उसमें सब कुछ मैंने ट्रुथ लिखा था, जो मैं फील कर रहा हूँ, महसूस कर रहा हूँ, मेरे सक्सेस, मेरे दर्द, मेरे माइंड के जो थॉट है जो मुझे डराते हैं, वो सब मैंने उस बुक में जाकर के रिफ्लेक्ट किया था और इसे आउट कर दिया मैंने वर्ल्ड में। अपने आप इस बुक में पंख लग गए और पूरे वर्ल्ड में जाकर ये छा गया। कॉन्फिडेंस ऐसे आता। और कमल रविकांत कहते हैं कि मैं कुछ अलग से लिखने की कोशिश नहीं करता हूं, मैं ज्यादा दिमाग नहीं लगाता हूं लिखने में, सिर्फ उसे सच बनाने में दिमाग लगाता हूं। सच बनाने कहने का मतलब कि जो भी मैं लिखता हूं ना, खाली ये ध्यान रहे कि वो पूरा का पूरा सही बात हो, जो मैं फील कर रहा हूं, महसूस कर रहा हूं, सिर्फ उसे सही करने में दिमाग लगाता हूं, बस यही बात मैं लिखता हूं। आप जो हो, जैसे हो, एक्सेप्ट कर लो, अपनी कमियां को एक्सेप्ट कर लो, अपने स्ट्रेंथ को एक्सेप्ट कर लो, फिर देखना लाइफ जीना आपके लिए काफी आसान हो जाएगा। ये आपका माइंड है ना, यही आपको बार बार चक्रव्यूह में डालेगा, यही आपको डराएगा, क्या हो अगर नहीं होगा तो बोलो इससे कोई बात नहीं, मैं शेयर करूंगा, ये स्टोरियां भी शेयर करूंगा, मेरे सक्सेस भी शेयर करूंगा, मेरे फेलियर भी मैं शेयर करूंगा। यहीं से कॉन्फिडेंस आपका आएगा, यहीं से कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। और जब उस थ्रेशोल्ड को आपने क्रॉस कर लिया तो उसके बाद फिर दूसरा थ्रेशोल्ड बनाइए, दूसरा काम आप स्टार्ट कर दीजिए जो उससे थोड़ा सा चैलेंजिंग हो, थोड़ा सा बड़ा हो, और इसी तरह से कॉन्फिडेंस डेवलप आता है। कौन सी बात आपको अच्छी लगी है चैट बॉक्स में लिख करके बताइए, शेयर कर दे, लाइक कर दे, सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जो भी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आता है ना मेरे तरफ से, दिल से मैं आपके तक पहुंचा सकूं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद दिल की गहराइयों से।